दोस्तों नमस्कार, निशान टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम करने वाले हैं निशान टेरेनो के अंदर क्लोक स्प्रिंग को रिप्लेस। तो वो क्यों कर रहे हैं, तो ये देखिए एयरबैग की लाइट आ रही है, ठीक है। तो एक क्लोक स्प्रिंग जो होती है वो एयरबैग से रिलेटेड ही होती है, ठीक है। अगर वो टूट जाएगी तो एयरबैग उसका जो वायर है वो टूट जाएगा तो एयरबैग की लाइट आती रहती है, ठीक है। तो क्लोक स्प्रिंग मैं दिखा देता हूँ, इस तरीके की क्लोक स्प्रिंग होती है। एंड इसका जो इस टाइम प्राइस है आज की डेट में 11,000 कुछ है, ठीक है। तो अभी इसको निकाल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके की ये क्लोक स्प्रिंग होती है, ठीक है ना। तो ये यहाँ देख लो आप, ये इस पर बोल्ट टाइट होके रहता है, ठीक है। ये मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ कहाँ लगा रहता है। एंड एयर बैग की लाइट क्यों आती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो वायर है ना ये एयर बैग से रिलेटेड ही है। अगर इस तरीके का कनेक्टर आपको दिखे गाड़ी के अंदर तो समझ लेना वो एयर बैग से रिलेटेड है, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो वायर है ये बहुत सेंसिटिव वायर होती है। अगर ये हल्का सा ब्रेक हो जाए या क्रैक हो जाए तो भी एयर बैग की लाइट आ जाती है एंड इस क्लोक स्प्रिंग को रिप्लेस करना पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी एक कनेक्टर लगता है, इसलिए इसको ये यहाँ पर इसकी ये वायर है जो क्लोक स्प्रिंग के घूमती है, ठीक है। तो इसलिए इस क्लोक, अभी मैं दिखाता हूँ कहाँ लोकेशन पे है, कैसे है। तो इसको निकालना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। इसको रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले हमें ये इसका हॉर्न पैड जो है इसको निकालना होता है। ये देखिए कनेक्टर इसके हॉर्न पैड में लगा रहता है, ठीक है। एंड यहाँ से देखिए ये यहाँ पर ये ब्रेक हो गई है वायर, इस जगह पर ज़्यादा बेंड हो गई है, तो इस वजह से इस वायर को हम रिप्लेस, मतलब क्लोक स्प्रिंग को हम रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है ना। साथ के साथ इसका दूसरा कनेक्टर है, इसको भी निकाल लेना है। एंड इसकी हॉर्न, इसका स्टीयरिंग को खोलने के लिए यहाँ पर देखिए इसमें नट है, इसको खोलना पड़ेगा। 45 नंबर का ये सॉकेट होती है इसकी, तो ये थोड़ा सा स्टीयरिंग एक तरफ पूरा टाइट करके तब खुलेगा। ये स्टीयरिंग लॉक कर लिया है चाबी निकाल के, वो रखी चाबी। एंड ये देखिए 45 की गोटी से आराम से खुल जाता है बोल्ट। अभी मैं पूरा आराम से पूरे तरीके समझाऊंगा आपको कैसे इस क्लॉक स्प्रिंग को रिप्लेस करना होता है। तो यहाँ देखो ये बोल्ट खुलने के बाद इस फोर्क के अंदर स्टीयरिंग जो होता है ना ऐसे ग्रूव्स के अंदर लगा रहता है, इसको निकालना पड़ता है। उसके बाद ये स्टीयरिंग बाहर आएगा, ठीक है। एंड इसको निकालने के लिए वापस नट को लगा के हल्का सा टाइट कर दिया जाता है एंड 2-3 चोट मार के ऐसे निकलेगा नहीं। अभी थोड़ा और टाइट मारना पड़ेगा, रिप्ले बन गया, हो गया, निकल गया, ठीक है। अभी बोल्ट खोल के स्टीयरिंग बाहर आ जाएगा, यही प्रोसेस है। बड़े आराम से आप चेंज कर सकते हैं, बस ध्यान रखें ये वायर जब हम लगाएंगे तो बड़े ध्यान से लगानी है, क्रैक नहीं होना चाहिए कोई सा भी वायर, है ना। अगर ये क्रैक हो गया तो ये 11,000 रुपये का नुकसान हो सकता है दोबारा से। ये तो क्लोक स्प्रिंग यहाँ लगा रहता है, ये इस जगह पे, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये खोलना है इसका स्टीयरिंग कवर पूरा एंड तब ये क्लोक स्प्रिंग निकलेगी। इस कवर को खोलने के लिए यहाँ पर दो बोल्ट लगे रहते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ मिलेगा। 20 की भीड़ से ही दोनों बोल्ट खुल जाते हैं, ठीक है। यहाँ आराम से ये बाहर आ जाएगा, फिर ये खुल के ये कवर इस तरीके से बाहर आ जाता है। यहाँ पर ये देखिए ये इसकी क्लोक स्प्रिंग है, ये जो है, ठीक है, ये ऐसे घूमती रहती है। एंड इसके ख़राब होने की वजह से ये क्लोक स्प्रिंग हम रिप्लेस कर रहे हैं। अभी इसको भी दिखाता हूँ, एक बोल्ट जो मैंने आपको ये वाला बोल्ट दिखाया था, ये जो बोल्ट इसमें लगा हुआ है, ठीक है, इस वाले बोल्ट को ही वहाँ पर खोला जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये बोल्ट इसमें दिखेगा, ठीक है, जहाँ उंगली लगी हुई है वो, ये जो है, ये देखिए इस तरीके से बाहर आ गई है। अभी ये सारे कनेक्टर इसमें से निकालने हैं, एक एक कनेक्टर निकल जाएगा बाहर ऐसे ही दबा के, ये क्लोक स्प्रिंग बाहर आ जाती है। एंड इसके जो ये है ना टर्न सिग्नल, ये भी इनको निकालना पड़ेगा, इसको भी निकालना है, इसको भी निकालना है। एंड इसका ये एक पेच यहाँ पर है और एक पेज ये यहाँ पर है, दो पेज खुल के ये बाहर हो जाएगा, ऐसे ही इस तरफ से हो जाएंगे बाहर। तो ये पुरानी वाली है, जैसे इसको उतारा कनेक्टर वगैरह निकालने के बाद यहाँ पर देखिए एक सिग्नल ये लगा रहता है, एक स्विच यहाँ लगा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर पेंच लगे रहते हैं, खुल चुके थे, अभी जब नई लगाऊंगा मैं, ये पुरानी वाली क्लॉक स्प्रिंग है, नई वाली में लगा के मैं आपको दिखाता हूँ पेंच वेच टाइट करके।
तो ये नई वाली में लग रहा है, ठीक है, ये नई वाली क्लॉक स्प्रिंग है एंड इसमें इस तरीके से पेंच लग जाते हैं, ये पेंच सपोर्ट देते हैं इनको इसमें लगा के, मतलब ये गिरे ना, ये आराम से स्क्रू ड्राइवर से टाइट हो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही टाइट कर लेना है। एंड अगर आप कभी क्लॉक स्प्रिंग रिप्लेस करें तो इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से समझाने की कोशिश करता हूँ जो आपको कहीं कोई दिक्कत ही ना हो। अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे ही दूसरी तरफ का वो इंडिकेटर स्विच जो टर्न ये स्विच है कॉम्बिनेशन स्विच का, इसको लगा के कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्लॉक स्प्रिंग को लगाएंगे। तो अभी ये कंप्लीट हो चुका है पूरा, दोनों तरफ से देखिए मैंने पेंच लगा के इसको कंप्लीट कर दिया है भाई ने। एंड अभी यहाँ पर अभी हमें लगाने हैं कनेक्टर, तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको कनेक्टर लगाने के बाद, कनेक्टर लगाते टाइम आवाज़ आनी चाहिए, आवाज़ आ गई कटक इस तरीके से तो समझ लो कनेक्टर फिक्स बैठ चुका है। तो तीनों कनेक्टर ऐसे ही लगा लेने हैं, ठीक है, एंड अब इसको बिठाना है, इसमें आराम से ये सेट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से फिक्स हो गया। एंड नीचे जो बोल्ट है उसको टाइट कर लेना है, यहाँ पर जो ये बोल्ट है, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया था ना क्लॉक स्प्रिंग पे नहीं पे, वही बोल्ट टाइट होगा एंड वो क्या करेगा कोलम पे अच्छे से इसको क्लॉक स्प्रिंग को पकड़ बना के रखेगा, टाइट कर देगा सही से, ठीक है ना, ये लग गया है। अब इसके बाद हम लगाएंगे स्टेयरिंग, क्लॉक स्प्रिंग इस पर प्रॉपर टाइट हो गई है, तो ये देखो ये जो नई क्लॉक स्प्रिंग है ना इसके साथ आता है ये, एंड ये इसको क्लॉक स्प्रिंग को घूमने नहीं देता, ठीक है, घूमने इसलिए नहीं देता, अगर ये घूम गई तो ख़राब हो सकती है, टूटने का डर होता है। तो इसको लगाने के बाद इसको निकाल दिया जाता है, तो आप भी इसको निकाल देना अगर नई क्लॉक स्प्रिंग आप लगा रहे हैं, ठीक है, ये निकल चुका है। एंड अब इसके बाद हम फिक्स करेंगे स्टेयरिंग, स्टेयरिंग लगाने से पहले हमें ये कवर कर लेना है, स्टेयरिंग कवर लगा लेना है गाड़ी में, ठीक है, मैंने आपको बताया था दो पेंच लगते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, एंड ये दोनों पेंच ये देखिए यहाँ ये रे, ठीक है, तो एक इसके अंदर जाएगा एंड एक इसके अंदर टाइट होगा। कवर इसका लगा दिया, अब ये दोनों बोल्ट भी इसके नट भी टाइट कर दिए, अब इसके ऊपर स्टेयरिंग लगेगा। अब ये स्टेयरिंग लगा देना है, पूरा अच्छे से टाइट हो गया, एक एक वायर बड़े ध्यान से निकालनी है, पहले ये वाली वायर फिर इसके बाद एयर बैग वाली वायर जो है, ठीक है, दोनों बड़े ध्यान से निकालनी है, कोई सी भी ब्रेक ना हो जाए, मतलब ब्रेक का मतलब क्रैक या टूटनी नहीं चाहिए, अगर हो गया तो फिर से वही सेम प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड फोर्क के अंदर जहाँ जहाँ से पहले स्टेयरिंग खोला था उसी जगह पर होना चाहिए, ये चीज़ भी ध्यान रखें, वरना बाद में गाड़ी का अलाइनमेंट कराना पड़ सकता है जो नेसेसरी खर्चा होता है 500-700 रुपये, ठीक है। अभी इसको टाइट कर देते हैं। एंड दूसरी चीज़ ये और कहीं बैठ भी नहीं पाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, बैठेगा भी नहीं पहली बात तो, पर अगर बैठ गया बाई चांस तो आपको अलाइनमेंट कराना पड़ेगा स्टीयरिंग खोल के, ठीक है। अभी इसको नट को टाइट कर देते हैं वापस से एंड ये फिक्स हो जाएगा इसके ऊपर, तो वापस से ऐसे ही कनेक्टर लगा देना है, ठीक है। अभी वो एयरबैग का वो लगा दो, माता रानी की चुन्नी लगी है, हाँ सर ये तो है। अभी कनेक्टर लगाने के बाद अभी ये पूरा पैक कर दिया है हमने, ठीक है, बड़े ध्यान से एयरबैग के कनेक्टर लगाने हैं। अभी बैटरी के टर्मिनल लगा के फिर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, एयरबैग की लाइट चली जाएगी, तो अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड स्टार्ट करने के बाद ये देखिए लाइट चली गई है इसके अंदर से, क्लॉक स्प्रिंग का ही फॉल्ट था, ठीक है। अभी हॉर्न भी इसका बज जाएगा, बजा भाई। तो दोस्तों गाड़ी स्टार्ट हो गई है, हॉर्न का आगे से कनेक्टर निकला हुआ था, फ्यूज़ चेक कर लिया था, फ्यूज़ भी ठीक था, एंड ये देखिए हॉर्न भी इसका बच चुका है, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में दोस्तों, क्लॉक स्प्रिंग इसी तरीके से रिप्लेस करनी होती है। एंड अगर आपकी गाड़ी में एयरबैग की लाइट आ जाए पहले फोल्ड चेक करो, क्लॉक स्प्रिंग का कोड आएगा फिर उसके बाद आपको चेंज कर देनी है। तो यही था इस वीडियो में, मेरी वीडियोज़ को लाइक करने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।